गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नेक्स्ट कर रहे हैं हम हेलोल्किन्स एंड हेलोरीन्स। तो फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो हेलोल्किन्स क्या होते हैं? जब कार्बन चेन जो है हेलोजन के साथ जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे हेलोल्किन्स, और हेलोरीन्स होगा जब रिंग जो है कार्बन रिंग जो है वो जुड़ जाए हेलोजन के साथ तो उसे बोलेंगे हेलोरीन्स। तो पहले हम हेलोल्किन्स पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या है, पहला टॉपिक है आपका। तो सी एक्स है तो कार्बन और हेलोजन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। हेलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड द हेलोजन, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किस तरफ होंगे, हेलोजन की तरफ होंगे, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इससे क्या होगा, हेलोजन जो होगा उसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। कॉन्स्टेंटली सी एक्स बॉन्ड इज पोलर कोर इन नेचर, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए पोलर नेचर की होगी। सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हमें पता है कि नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप हेलोजन का साइज बढ़ जाता है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरिन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडिन द लार्जेस्ट, हमें पता है फ्लोरिन सबसे छोटा है और लार्जेस्ट कौन सा है, आयोडिन। इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होगी लेंथ जो होगी काफी बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ से, फ्लोरिन से लेकर आयोडिन तक। मतलब इसको तोड़ना मुश्किल होगा और इसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाएगा, साइज डिफरेंस आ जाएगा, मतलब लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फर्दर एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन, अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हेलोजन की वो डिक्रीज करती है नीचे जाते हुए, देयरफॉर द पोलैरिटी जो सी एक्स बॉन्ड की है भी डिक्रीज करेगी। हैंस द डाइपोल मोमेंट जो होता है हेलोल्किन्स का शुड ऑल्सो डिक्रीज अकॉर्डिंगली, तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सी एच थ्री एफ, जो पहली वाली है सी एच थ्री एफ, इज स्लाइटली लोअर दैन दैट ऑफ सी एच थ्री सी एल, डायपोल मोमेंट जो सी एच थ्री एफ का है वो कम है सी एच थ्री सी एल का। ये क्यों है, द रीजन बींग दैट थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द फ्लोरिन एटम, ये किसकी वजह से, फ्लोरिन एटम पे जो चार्ज होगा नेगेटिव उसकी वजह से होगा, जो काफ़ी ज़्यादा है किससे, क्लोरिन एटम से। बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरिन, फ्लोरिन का साइज छोटा होने की वजह से क्लोरिन से, सी एफ बॉन्ड जो डिस्टेंस जो काफ़ी छोटा है दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस, मतलब दूसरे क्लोरिन से, डायपोल मोमेंट ऑफ सी एच थ्री जो होगी वो क्या होगी, स्लाइटली लोअर होगी किसे, सी एच थ्री सी एल से। तो यहाँ दिया है बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है 139, इसकी 178, तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 452351। तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोल्किन्स, इसकी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सच रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, मतलब दो न्यूक्लियोफाइल होंगे, एक जुड़ा होगा दूसरा नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आएगा और अटैक करेगा और उसको निकाल देगा, वीकर को न्यूक्लियोफाइल को, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल ही दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव लविंग, विच डिपेंड विद द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फसाइल इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, तो आर एक्स बॉन्ड है, तो ये करेगा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो पॉजिटिव पे जब अटैक करेगा तो ये खुद नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफिलिक है खुद नेगेटिव होगा मगर होगा पॉजिटिव लविंग, तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर अटैक करेगा, इससे जुड़ जाएगा आर एन यू और हेलोजन को अलग कर देगा, इस तरीके से क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे हेलोजन की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे देखो आर एक्स है, क्यू एच है, तो आर यहाँ पे क्या होगा, के जो होगा वो क्या करेगा, एक्स आर जो है नेगेटिव पर अटैक करेगा, आर जो है नेगेटिव पे अटैक करेगा, आर ओ एच हो जाएगा और के एक्स अलग हो जाएगा। वैसे सी एच थ्री सी एच टू बी आर है, के ओ एच है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू, ये बी के बी आर बीच में से निकल जाएंगे, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बन जाएगा। अब हेलोजन की अल्कोक्सी ग्रुप से अगर रिएक्शन करवाई जाए तो कैसा होगा, आर एक्स है, ये क्या है, हेलोल्किन्स, एन ए ओ आर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा, एन ए एक्स अलग, आर ओ आर अलग। वैसे ही है, इसे विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप, साइनाइड से, आर एक्स के सी एन है, तो इसको पहले पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएगा, के एक्स अलग, आर सी एन अलग। नेक्स्ट है आइसोसाइनेट से, आर एक्स ए जी सी एन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ए जी एक्स अलग, आर सी एन अलग। नाइट्राइल ग्रुप से आर एक्स के ओ एन ओ, तो ये क्या है पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो के एक्स अलग, आर ओ एन ओ अलग। तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन।